नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। 25 जून की रात्रि को अकबर नगर पेट्रोल पंप के पास लूट की घटना में संलिप्त चार अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता कर सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने दी जानकारी। 25 जून की रात्रि सुल्तानगंज से भागलपुर की ओर इसाक चक 12 नंबर गुमटी का रहने वाला मोहम्मद जहांगीर का पुत्र फल व्यवसायी मोहम्मद औरंगजेब के मोटरसाइकिल से आने के क्रम में अकबर नगर पेट्रोल पंप आम बगीचे के समीप अपाची मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात चार अपराधियों के द्वारा घेर कर चाकू से प्रहार कर जख्मी करके सैमसंग कंपनी का मोबाइल मोटरसाइकिल की डिक्की से रखे 16,000 रुपये अपराधियों ने लूट लिए थे और चारों अपराधी नाथ नगर की ओर भाग गए थे। इस केस में अकबर नगर थाने में केस दर्ज कराया गया था। अनुसंधान के क्रम में लूट की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है, साथ ही घटना में संलिप्त चार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी में प्रहलाद कुमार, अनमोल कुमार, कुणाल कुमार और धर्मराज कुमार हैं। वहीं अपराध कर्मी अनमोल कुमार के घर से लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। अनमोल कुमार पूर्व गोलू कुमार, प्रभात कुमार पूर्व छोटू और कुणाल कुमार का भी आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसे खंगालने में पुलिस लगी हुई है। 25 जून की घटना है, 25 जून की घटना है। एक फल व्यवसायी मोहम्मद औरंगजेब, जो कि साक्षक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो अपने फल का तगादा कर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से वापस आ रहे थे और अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाँ पर करीब चार अज्ञात अपराधियों ने दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर इनको चाकू से जख्मी कर दिया था और इनका बाइक लूट लिया था और जो इनके पास 16,000 रुपये थे और इनका मोबाइल था, आईपैड था, ये सारी चीज़ें लूट ली थी। चारों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो लूटी गई बाइक थी और कुछ पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। इन चारों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है, इसमें से तीन नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक अकबर नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें से एक अनमोल कुमार उर्फ मोनू है नाथनगर का, ये एक बार जेल गया है शराब के कांड में। प्रहलाद कुमार उर्फ छोटू है नाथनगर थाने एरिया का, ये फरवरी में जेल गया था चोरी और मारपीट में, अभी जस्टी बेल पे छूट कर आया था। और कुणाल कुमार है, वो भी शराब में जेल गया है। इसमें थानाध्यक्ष की भूमिका सराहनीय रही है और बजरा बी टीम के प्रभारी हैं सूरज कुमार सिंह, उनकी भूमिका भी सराहनीय रही है। और ये अनुसंधान जल्दी हम लोग केस को चार्जशीट करेंगे और सभी अपराधियों की TI परेड कराएंगे और स्पीडी ट्रायल में भेजेंगे ताकि उनको सक्सेसफुल सजा मिल सके। रकम कितनी बरामद हुई? कुछ पैसे बरामद हुए हैं, करीब 2,000 के आसपास पैसे बरामद हुए हैं और जो लूटी गई बाइक थी वो बरामद कर ली गई है।